नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं कथक के जाने माने कलाकार अभिमन्यु लाल जी। पिछले हिस्से में हमने उनकी कला की विशेषताओं के बारे में बातचीत की। इस हिस्से में बातचीत उनकी माँ और गुरु गीतांजलि लाल के बारे में, उनकी परंपरा के बारे में, उनके घराने के बारे में, और आज कथक को लेकर कलाकारों की जो सोच है वो कितना बदली है और उसके बदलाव की कितनी जरूरत है, इन सारे मुद्दों पर बातचीत इस हिस्से में देखिए। बिल्कुल, अब अभिमन्यु जी इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में आते हैं, क्योंकि वो प्रश्न मैंने बिल्कुल ही नहीं पूछा था और सब बचा के रखा था इसीलिए कि इस हिस्से में उस पर बात करेंगे। और वो हिस्सा है उस परंपरा से जुड़ा हुआ जो आपको ईश्वर ने दी है। आप अपनी माँ गुरु गीतांजलि लाल जी की कई बार आपने अभी जिक्र किया, उनका उन पर कुछ हम लोग बातचीत करेंगे, आपके पिता पर भी बातचीत करेंगे। और सबसे पहले तो यही बताते चलिए कि बचपन में ऐसा तो नहीं रहा होगा कि शैतानियां नहीं की होंगी, तो ये पापा मम्मी में गुरु तो बाद में हुए, पापा मम्मी तो थे ही ये लोग, तो इनमें से किसी की पिटाई उटाई भी कभी पड़ी या मतलब बचते रहे हमेशा बचपन में? देखिए, मैं ऐसी कोई नौबत नहीं आई है, क्योंकि वो नौबत आने ही नहीं दिया। बेसिकली वो यही चाहते ना कि जो भी करे ठीक से करे, तो मेरे गुरु ने कभी मुझे याद नहीं है। डांट तो खैर अभी भी खाते हैं, आज भी खाते हैं, अगर कुछ कहीं किसी परफॉर्मेंस में कुछ गड़बड़ हो जाए तो घर पे जाके डांट पड़ती है, ऐसा नहीं है। पर टच वुड अभी तक ऐसी कोई गलती मैंने की नहीं है जिसकी जब मुझे डांट पड़े। उनका बस एक ही चीज़ का एक ही कंसर्न हमेशा था कि बहुत ही कॉम्पिटिशन का जमाना है और आप इस कॉम्पिटिशन में आप सक्षम तभी होंगे जब आप को गुरुओं द्वारा दी गई चीज़ों को आप अच्छे से निभाएं। तो फिर वही भी बात आ जाती है कि आप किसी भी चीज़ को अच्छे से मान लें, उसके बाद में फिर दिखाएं दुनिया को, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वो था रियाज, और उसके लिए मैंने कभी नहीं देखा कि मैं कितने बजे शुरू कर रहा हूँ, कितने बजे ख़त्म करूँगा। गुरु को वो कथक केंद्र से आते थे तो मेरा ऐसा था कि मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे हाथ इतनी दूरी पर पसीना नीचे ज़मीन पर होना चाहिए, मैंने इतना रियाज किया है। क्योंकि ये चीज़ गुरु को, गुरु भी खुश हो जाते थे देख के और मैं भी खुश होता था कि मैंने कुछ किया है आज। तो जिस दिन रियाज नहीं होता था अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने वो नौबत आने नहीं दी। कभी उन्होंने मुझे ऐसे डांटा जरूर है लेकिन कभी हाथ नहीं उठाया, वो बहुत प्यार करती है मुझे। वो आपको ही नहीं, मैं जब उनसे जब बातचीत करने का सौभाग्य मुझे मिला था तो मैंने पहला प्रश्न ही यही पूछा। मैंने कहा मैं जिस भी कार्यक्रम में जाता हूँ और आप जैसे ही आती हैं हॉल के भीतर तो बहुत सारे लोग अचानक खड़े होते हैं और वो आपके पास जाके कोई आपका पैर छू रहा होता है, कोई आपके गले लग रहा होता है, तो ये निश्चित तौर पर आपके, आपकी माँ और गुरु गीतांजलि लाल जी के जो नृत्य में जो उनकी साख है या नृत्य में जो उनका मकाम है उसकी वजह से तो होता ही होता है। लेकिन वो जो सहजता है, वो जिस सहजता से लोगों से मिलती हैं, उनके चेहरे पे जो ग्रेस है, वो मतलब
वो बड़ी बहन माँ का जो एक चेहरा, उनके उनके ग्रेस, उनके कलाकार के साथ साथ जो वो सालों साल से है, तो वो हो सकता है कि यही वजह रही हो कि आपकी पिटाई नहीं हुई होगी और डांट से ही काम चल गया होगा। लेकिन एक गुरु के तौर पर, एक माँ के तौर पर कौन सी चीजें हैं, कौन सी ऐसी सीख है अभिमन्यु जी, जो वो मुझे आपको लगता हो कि यार ये नृत्य की सीख नहीं है, ये तो जिंदगी की सीख है, ये तो हमें अपनी जिंदगी में ढालना चाहिए। नृत्य तो हम उनसे सीख ही रहे हैं, हमारी माँ है, हमारी गुरु है, लेकिन उससे इतर जिंदगी की कुछ बुनियादी बातें जब बड़े बड़े गुरु सिखाते हैं, ऐसा कुछ याद आता है? हाँ, गुरु लोग तो हमेशा सिखाते ही रहते हैं उनको, और आई थिंक ऐसा नहीं कि वो उनका काम है, अगर वो बताते भी हैं तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनकी चीजें कितना सोख पाते हैं। तो हमें तो यही है कि हमारे गुरु मतलब सिर्फ तोड़ा टुकड़ा और तिहाई और रियाज का ज्ञान के अलावा भी उन्होंने सभ्यता भी सिखाई है कि हाँ कैसे उठते बैठते कैसे बात करते हैं। तो उनका यही कहना होता है कि किसी से भी मिलो, प्रेम से मिलो, और जो जब आप नृत्य करोगे तो आपका जो नेचर है वो आपके नृत्य में झलकता है। तो बिल्कुल जैसे अभी बोला, कोई उनको गले लगता है, कोई पैर छूता है, तो वो उनका नेचर है जो जो स्टेज पे दिखता है, और वो बहुत सौम्यता से सब सब लोगों से मिलती है। आज भी जब वो कथक के अंदर आते हैं तो सारे लोग उनपे मतलब बहुत प्यार देते हैं, वो नेचर है उनका। और हर एक कलाकार के लिए कि आप सिर्फ क्लास में बच्चों को सिर्फ तोड़ा टुकड़ा और तिहाई ना, उनको कम से कम एस्थेटिक्स भी सिखाइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के युग में। अगर मैं ये कहूं कि घराना और सिर्फ घरानेदार लोग ही काम कर रहे हैं तो मैं आई थिंक इस बात में यकीन नहीं करूंगा। आज की जो जनरेशन है बड़ी पढ़ी लिखी है, और वो लोग बहुत ही क्या बोलते हैं, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जो जो प्रेजेंटेशन है पढ़े लिखे लोगों का वो एकदम बदल गया है। तो आप देखें ना, उसमें एस्थेटिक्स ज्यादा दिख रहा है। तो ये चीज भी सीखने वाली होती है आपके ट्रेनिंग के दौरान, ये भी चीजें आप गुरु आपकी कैसे उठते बैठते हैं कैसे बातें करते हैं, तो ये सब चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कि आपका नृत्य, बहुत जरूरी है जी। और लगे हाथ ये भी बताइए कि जितने भी मैंने कलाकारों की जो अगली पीढ़ी होती है, यानी जो यंगर जनरेशन है, उनसे पूछता हूँ कि वो तारीफ करने में माता पिताजी कंजूस तो नहीं है, या तारीफ करने में कंजूस है? कभी तारीफ वारीफ होती है कार्यक्रम करके आने के बाद, या जब गलती होती है तो डांट ही पड़ती है, या होता है कि नहीं आज तुमने बेटा बहुत अच्छा डांस किया, मुझे बहुत मजा आया? देखिए, एक जमाना था जब लोग ऐसे बोलते सोचते थे कि उनकी तारीफ ना करें, चढ़ जाएगा, फूल जाएगा, फिर अब काम नहीं करेगा। अब वो जमाना नहीं रहा, लेकिन तारीफ करने से थोड़ा सा अच्छा भी लगता है मन को। तारीफ का मतलब ये होता है कि यदि आप कोई अच्छा काम किसी फील्ड में कर रहे हैं तो आपको अगर उसका साथ साथ में अवार्ड जैसे मिलता है तो आदमी को एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। उसी प्रकार जब गुरु आपकी तारीफ करता है तो आपको और जिम्मेदारी मिल जाती है। मैं इस बात को ऐसे लेता हूं कि आज गुरु ने मेरी तारीफ की है, इसका मतलब कि मुझे और अच्छा करना है। ऐसे नहीं कि फूल गए जैसे पहले होता था कि नहीं अब इसकी तारीफ मत करो बिगड़ जाएगा, ये वो जमाना बदल गया है सर। अब डांट के एक आप एक पहली बात तो ऑलरेडी इतना मुश्किल आर्ट है, और रातों रात हम फेमस होने वाले तो होते नहीं है, बस धीरे धीरे करते 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 कहां, छोटी सी क्लासिकल वर्ल्ड बहुत छोटी दुनिया है। तो सौम्यता भी रखनी है, गुरु की तारीफ, ये गुरु की तारीफ से ही मैं आपको बताऊंगा कि जब अवार्ड मिलता है तो लोग अक्सर बहुत बधाई ये वो देते हैं, तो उससे एक जिम्मेदारी नहीं मिल गई आपको। जब आपको बहुत ज्यादा तालियां मिलती हैं तो उससे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, वाह लोग इतना पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब आपको आप सही पाथ पे हैं, और बहुत सारा काम आपको करना है। दिस इज हाउ आई टेक इट। तो गुरु गुरु जब तारीफ करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरी गुरु जब अच्छा काम करता हूँ तो तारीफ करती है। इसी से जुड़ा दूसरा प्रश्न भी है, और बहुत स्वाभाविक सा प्रश्न है, कई बार आपसे पूछा भी गया होगा। आप जिस परंपरा से आते हैं मनु जी, मतलब जिस परिवार में गुरु गीतांजलि लाल जी का घर रहा हो, मतलब और दुर्गा लाल जी का नाम लिया जाए, या और भी पुराने कलाकार जिस परंपरा से आप लोग हैं, ये एक जिम्मेदारी भी रहती है कि हमको कम से कम उस परंपरा की जो का जो सम्मान है पूरी दुनिया में, उस सम्मान को कायम रखने के लिए भी जरूरी है कि हम अपने आचरण से, अपने नृत्य से उसको अगर 20 से 21 ना करें तो कम से कम 20 से 19 ना करें। जी, ये बहुत अच्छी बात की है, हमने बहुत लोगों ने पूछा भी है ये। बहुत जैसे शुरू शुरू में बहुत ज्यादा लाइटली लेता था मैं चीजों को, लेकिन जब लोग बोलने लगे ना कि अच्छा ये मैंने कुछ सुना है, अच्छा ये तो उनके बेटे हैं,
आजकल जब मैं उनकी पोस्टिंग में मॉरिशस गए थे, अरे तो उनके गुरु का पुत्र है, गुरु का पुत्र होने का मतलब तो अब लोग उनकी एक्सपेक्टेशन तो यहाँ दिख रही है ना, तो वो बरगद के का छाया तो मुझे मिल गया है, लेकिन अब उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहुत कड़ी कड़ा अभ्यास, कड़ी तपस्या, बहुत कुछ करना पड़ा, तब जाके धीरे धीरे लोगों ने इज्जत दी और काम भी दिया। तो वो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर, उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अगर मुझे जरा सा भी एहसास कभी भी हुआ होता फ्यूचर में कि मैं इसको जस्टिस नहीं कर रहा हूं, तो मैं नृत्य ही छोड़ देता, कि ये जिम्मेदारी मेरे पे तब भी थी और आज भी है, और इसको मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा कि मैं जितना जितना मैं उनकी चीजें हमें मिली हैं विरासत में, जो जो उन्होंने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया है, उसको इस परिवार के लिए मैं खरा उतरूं और बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां देता रहूं और आप जैसे लोगों से मिलता रहूं। अच्छा, मुझे एक दो चीजें और बताइए। जब आप आज खुद कथक सिखाते हैं और इसके अलावा देश दुनिया भर में ट्रैवल करके प्रोग्राम कर रहे होते हैं, आप ये जो आर्ट फॉर्म्स है, आपने कहा कि शास्त्रीय संगीत की दुनिया बहुत छोटी है, इन आर्ट फॉर्म्स का विस्तार कैसे होगा? कभी ये सोचते हैं आपकी यार क्या वजह है कि आज अगर दिल्ली में ही आप देख लीजिए, 40 मिनट 45 मिनट के बाद एक जो दर्शक है या श्रोता है उसका एपेटाइट खत्म होने लगता है। आपने अगर अपना नृत्य का कार्यक्रम 1.5 घंटे का रख दिया तो आप मान के चलिए कि पीछे की कमानी की सीट्स खाली होना शुरू हो जाती हैं। ये कैसे विस्तार होगा? विस्तार तभी होगा जब नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे हैं वो इससे जुड़ेंगे, वो इसको समझेंगे, वो इसमें इंटरेस्ट लेंगे और देखने के लिए आना शुरू करेंगे। ये कैसे होगा? इसके लिए कुछ रोड मैप कभी दिमाग में आता हो, और खास तौर पर आप लोग इतना ट्रैवल करते हैं, कहीं बाहर कुछ ऐसा देखा हो कि लगाओ कि यार ये बहुत अच्छा आइडिया है, अगर इस आइडिया के साथ हम आगे बढ़ें तो संभवतः सिर्फ कथक ही नहीं बल्कि शास्त्रीय गायन या शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय वाद्य यंत्रों के तमाम जो कार्यक्रम होते हैं और जिसमें अक्सर दर्शकों की श्रोताओं की कमी दिखाई देती है, वो कमी दूर हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि यदि आप, हमारे घर में 5 सदस्य हैं, कोई बहुत मेच्योर है, कोई बहुत छोटा है, कोई साहित्य साहित्य को बहुत पसंद करता है, कोई स्पोर्ट पसंद करता है, कोई मैथ पसंद करता है, तो सबकी अलग अलग पसंद है, और उन 5ों में से यदि आप किसी एक व्यक्ति यानी जो साहित्य जानता है सिर्फ उसी की बात करेंगे आप, या साहित्य को चुनेंगे, वही टॉपिक हमेशा रखेंगे, और उस बच्चे की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया कि वो उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, तो हर एक परफॉर्मर के रेपर्टुआर में कुछ एक ऐसी चीजें हो जो सबकी समझ में आए, भले एक ही हो लेकिन वो सब समझे, वो ना हो कि नहीं जी हमने यही सीखा है और हम इसके अलावा कुछ और कर नहीं सकते। तो जब तक आप उस ऑडियंस में बैठे हुए बच्चे से लेके साहित्यकार से लेके कवि से लेके वैज्ञानिक से सबको जब तक आप जोड़ नहीं लेंगे, आप इसे सिर्फ एंटरटेन, मैं उसमें वे में नहीं बोल रहा हूँ, तो शास्त्र में लिखा गया है कि सिर्फ इंटरटेनिंग नहीं है वो, है ये इसमें ज्ञान की बातें भी हैं, तो आप सबको जब तक लेके नहीं चलेंगे, पीछे सीट पे बैठे बैठा हुआ बच्चा यदि आपके कार्यक्रम से इतना सा भी अगर अट्रैक्ट होता है तो अगली बार वो जरूर आए। हमने सोचा इस जनरेशन को जोड़ने के लिए, क्या उन लोगों को, इस जनरेशन को फिल्मी गाने पसंद है, हमें नृत्य करना है, हमें तिहाइयां करनी है, हमें टुकड़े करने हैं, थोड़े इंस्ट्रूमेंट बदल देते हैं, हमारा तबला रखते हैं उसमें हम ऐड ऑन कर देते हैं, तो हमने एक आइटम बनाया द स्पिरिट, जैसे मैंने आपको जिक्र किया था, उसका नाम ही हमने पा मापा रखा है, उसमें हमने बहुत बहुत सारे एलिमेंट्स डाले हैं। अब क्या नया एलिमेंट क्या हुआ, तोड़े टुकड़े तिहाई तबले पे भी बज रहा है, वेस्टर्न ड्रम पे भी बज रहा है, जो मैं खुद बजाता हूँ, अभी मैं 21 तारीख को वो करने वाला भी हूँ हैबिटेट में। तो सबको सोच के अगर एक चीज भी सब तक पहुंच रही है, जब तक आप ये वाला नहीं सोचेंगे ना तब तक ऑडियंस नहीं बनेगी हमारी, और मैं इसलिए मैंने बोला कि ऑडियंस को आप वो मत दिखाइए, ठीक है मैं आनंदित हूं, मैं लोग बोलते हैं कि हम ऑडियंस के लिए नहीं नाच रहे, हम खुद के लिए नाच रहे, मैं ये सब चीजें मानता हूं, लेकिन आपको ऑडियंस से इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, जब तक आप उनसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका कार्यक्रम और आपको ऑडियंस ढूंढने में टाइम लगेगा, और थोड़े सा गुरुओं का भी हमें एक चीज जो जिसके लिए मैं थोड़ा हार्श बोल सकता हूँ इसमें, कि सबको ब्लिंकर मत पहनाइए प्लीज, सभी बच्चों को, सब गुरुओं का या सभी आर्टिस्टों के आर्ट को आप देखिए, कुछ लोग तो बोल देते हैं मैं ही अच्छा हूं, मेरा ही काम देखिए, दूसरे अच्छे नहीं, ये जब तक भावना रहेगी तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, हमारे पास ऑडियंस की कमी नहीं है, हमारे पास अभी फिलहाल यहां से बड़ा सोचने की
वो है, वरना हमारे आजकल की जनरेशन के बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये भी बता देते हैं कि हमारा घराना बहुत अच्छा है, दूसरा घराना, मेरे हिसाब से दो घराना, एक अच्छा एक बुरा, एक अच्छा कथक एक बुरा कथक। तो आप कथक करिए, और जिस गुरु का भी कुछ भी अच्छा लगे आप ले लीजिए, बस उनका नाम लेके आप बोलिए कि हमने उनका देखा बहुत अच्छा लगा, आपको हाथों हाथ लोग उठा लेंगे। सर, हमें ऑडियंस की कमी नहीं है, हमारी सोच में कमी है कहीं ना कहीं। अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, सपोज मेरा कार्यक्रम हो रहा है और किसी और गुरु का प्रोग्राम हो रहा है और मेरे बच्चे मेरे मेरे से सीख रहे हैं, और मैं उनको ये बोलूं कि नहीं उसका आर्ट मत देखिए आप खराब हो जाओगे, मैं कहता हूं खराब कोई भी आर्टिस्ट खराब हो ही नहीं सकता, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। तो वो ये चीज जब सोच अगर बदल देंगे तो मुझे नहीं लगता हमें ऑडियंस की कमी है। सही कहा आपने, और ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये कहीं दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि जी मैं अपने ही दो एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक एक कार्यक्रम का आयोजन किया था मैंने, जिसमें एक बहुत वरिष्ठ कलाकार ने हमसे ये कहा कि वो जब फला गायक आएगा तब मैं देखने आऊंगा या आऊंगी, और उससे पहले नाच हो रहा है, मुझे नाच नहीं देखना है। अब ये जो अच्छा दूसरे की कला को कमतर करके पेश करना है, इसके अलावा घरानों घरानों की इतनी लड़ाई है अभिमन्यु जी, हम लोग तो आउटसाइडर्स हैं, हम तो बाहर से देखते हैं कि वो किस तरह से कलाकार एक दूसरे को, एक दूसरे के घराने को लेकर सवाल करते हैं, जबकि फैक्ट ये है कि अब कहाँ का घराना, अब तो सब कुछ यूट्यूब पे है। अब अगर आज हाँ आपको लखनऊ घराने का कुछ देखना है तो आपको क्या लखनऊ जाना होगा या लखनऊ जाके किसी कलाकार के पैर छूने होंगे? ये तो बहुत आसान हो गया, इंटरनेट ने तो पूरी की पूरी सीखने की दुनिया को ही बदल दिया। आज जो बात आपने कही, अगर लेट्स से आपको लखनऊ घराने की कोई चीज जाननी है, आप बहुत आसानी से उसको नेट पे जाके देख सकते हैं, फिर आपको पसंद आए तो आप उसको कर भी सकते हैं। लेकिन बिल्कुल फैक्ट ये है कि अगर हम नेक्स्ट जनरेशन से इसको नहीं जोड़ेंगे, अगला जो सवाल है मेरा वो यही है। मैंने कई कलाकारों को देखा है मन्यु जी, और आप इसको बताइएगा कि इससे कैसे छुटकारा मिले कहना चाहिए, या इसको किस तरह से इसके नजरिए में बदलाव आए। कलाकार स्टेज पे जाता है, 75-80 साल उस कलाकार की उम्र है, और फिर वो ये कहता है कि 50-55-60 साल से मैं ये फला वाद्य यंत्र सीख रहा हूँ, या मैं कथक कर रहा हूँ, या मैं भरतनाट्यम कर रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत मैं सीख पाया वो आपको दिखाता हूँ। अब मेरा 10 साल का बच्चा तो भाग जाएगा कि अगर वो 80 साल के हैं और 80 साल में भी उन्होंने थोड़ा बहुत सीखा तो फिर मैं तो सीख ही नहीं पाऊंगा। ये सच है कि आर्ट फॉर्म बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें सीखते हम थोड़ा बहुत ही हैं, लेकिन क्या आज की यंगर जनरेशन को जोड़े रखने के लिए हमको ये कहना जरूरी है कि हमने जो थोड़ा बहुत सीखा, या सिर्फ इतना कहना चाहिए कि हम जो सीख पाए हैं वो पेश कर रहे हैं? परसेप्शन क्या होना चाहिए मोटे तौर पर, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो अगर थोड़ा बहुत सीखा है तो पूरा सीखे हैं। कोई भी व्यक्ति थोड़ा बहुत क्यों देखना चाहेगा? भाई मैं अपने घर से आया हूं उठ के, आपका एक आपने आपकी इवनिंग को हम देखने आए हैं, तो हम थोड़ा बहुत क्यों सीखा आपने? पूरा सीख लीजिए फिर। कुछ लोग भी बोलते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत हम मिला ये बंद करें आप प्लीज, ये बोलना थोड़ा बहुत नहीं होता है। गुरु कभी आपको थोड़ा, इसका मतलब आप अपने गुरु को ही नीचा दिखा रहे हैं, आपने उनसे थोड़ा सीखा, या आप सीख नहीं पाए, या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा बड़प्पन है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। वो जमाना तो रहा नहीं सर, वो जमाने चले गए कि मेरे दादा ने, मेरे काका ने, मेरे ताऊ ने, सब बुजुर्गों का ही है, हमारा तो कुछ है ही नहीं है, ये तो बोलना ही नहीं है शास्त्रीय। पर वैसे भी क्लास, ये क्लास लोगों की चीजें हैं, क्लासिकल शब्द ही बना हुआ है, ये सबके लिए नहीं, सब नहीं समझ सकते। लेकिन उसके ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये कह रहे हो कि मुझे जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, मेरे हिसाब से तो आपको पूरा सीख के आना चाहिए। और अगर आपसे त्रुटि भी बोलते हैं ना कुछ लोग मेरे से, जो त्रुटि हो माफ करें, त्रुटि क्यों हो रही है भाई? फिल्म बन रही है कि मेरे से त्रुटि हुई, रीटेक होगा, फिर से कर लेंगे। आप मेरे किसी भी परफॉर्मेंस में देख लीजिए, अगर एक चीज कभी भी हुई होगी गड़बड़ तो मैंने दोबारा नहीं बोला, क्योंकि गड़बड़ किसी एक वजह से नहीं होती, बहुत सारी चीजें मिला के होती है। कभी भी उसको रिपीट नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करता हूँ। एक बार फिर से देखिए, क्यों देखिए? आपने अच्छे से साधा नहीं, आप इसको अच्छे से साध के आइए। जो त्रुटि हुई है त्रुटि नहीं होनी चाहिए, जो थोड़ा सीखा है आप पूरा सीखे, मेरा यही कहना है। ये जब आप अपने शिष्यों को सिखाते हैं तो आप भी वैसे ही सिखाते हैं जैसे माँ ने सिखाया, अब बिल्कुल प्यार से, या आप डांटते वांटते हैं? नहीं मैं नहीं डांटता, मेरे को तो मेरे शिष्य लोग डांट देते हैं, क्या गुरु जी आप कुछ बोलते ही नहीं हो, क्योंकि देखिए डांट से एक्सप्रेशन खराब हो जाएंगे आपके, ये मेरा मानना है।
कि बच्चा आप सहमा सहमा क्लास में आएगा कैसा लगेगा। मैं भी चाहता हूं कि बच्चा क्लास में आए उसकी स्माइल देख के मेरे चेहरे से भी स्माइल निकले। तो मुश्किल आर्ट को प्यार से, इतने प्यार से उसको मुश्किल चीजें सिखाइए। आप उस क्लास का माहौल ऐसा बना दीजिए कि बच्चा सीखने के लिए आए। बच्चा इन्हें बोले मम्मी से कि मम्मी मेरा आज क्लास में जाने का मन नहीं क्योंकि पिछली क्लास में गुरुजी ने मुझे डांट दिया था। आप डांटिए मत उसको, चार लोगों के सामने तो बिल्कुल ही मत डांटिए। किसी भी बच्चे को कभी नहीं डांटना चाहिए। इस मुश्किल आर्ट को अगर आप सच में चाहते हो कि इसको बचाना है और बहुत आगे लेके जाना है तो ये डांटने वाला तो मैं बिल्कुल मैं यकीन नहीं मानता हूं। पर अगर हाँ, अगर डिसिप्लिन बहुत जरूरी है इस आर्ट में, उसको आप माहौल ऐसा बना दीजिए ना क्लास में, डिसिप्लिन भी बना रहे और बच्चे आसानी से मुश्किल चीज सीख लें। दिस इज हाउ आई टीच। चलिए, मेरा आखिरी प्रश्न जो है वो बहुत, वैसे बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि जिस कलाकार अच्छा की नाम के आगे सैकड़ों परफॉर्मेंसेज हो, उससे ये कहना कि दो तीन परफॉर्मेंसेज अपनी याद करके बताइए जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे, वो मुश्किल भी है और आसान भी है। आपकी कौन सी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं जो आपको लगता है कि मेरे साथ ही जाएंगी हमेशा, ऐसे लगता हो कि आंख बंद की और वो फला देश में नाचे थे या फला मंच पे नाचे थे या फला कार्यक्रम में नाचे थे, जो हमेशा ताजा रहती हो जिसकी याद? मैं आई थिंक सभी कलाकारों का हर एक स्टेज जो होता है वो एग्जाम जैसा होता है। क्लासिकल आर्ट मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होता है, रोज एग्जाम देते हैं सर हम। ऐसा नहीं होता है कि हमारा ये वाला बहुत अच्छा गया, कल वाला बहुत बुरा गया। एग्जाम सबका बहुत स्टेज पे जाने से पहले ऐसा लगा कोई परीक्षा देने जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मेरा पहला परफॉर्मेंस जो कमानी में हुआ था 97 में, युवा महोत्सव, जिसमें मेरे गुरु ने प्राउडली मुझे प्रेजेंट किया था, वो कभी नहीं भूलूंगा मैं। क्योंकि मैं आई थिंक कई रात सो भी नहीं पाया था और बहुत नर्वस था मैं। तो वो नर्वस आदमी इसीलिए होता है क्योंकि अपना बेस्ट देना चाहता है। तो वही एक परफॉर्मेंस है, वरना हर एक परफॉर्मेंस यादगार है। वो विदेश का कोई भी कर ले लें आप। हाँ, मुश्किल सबसे ज्यादा परफॉर्म करने में हमारे देश में ही होती है। और लेकिन ये है कि हाँ, कि कुछ कुछ जगहों पे नाचने से ऐसा लगता है कि कुछ लोग मेरा परफॉर्मेंस नहीं, मेरी कमियां निकालने आए। तो उन लोगों को देख के भी कभी कभी अब ज्यादा अच्छा लगने लगा कि निंदक नियरे राखी है आंगन कुटी छवाए। तो वो तुलसीदास जी ने बड़ा बढ़िया कह दिया है, तो उनका भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपने आप को करेक्ट कैसे करेंगे? कहते हैं हम तो दुश्मनों की भी दुआ करते हैं कि वो अच्छे रहे, क्योंकि ऊपर वाले से मिलाने की सबसे ज्यादा दुआ वही करते हैं। तो ये सोच रखें, और हर परफॉर्मेंस मेरा यादगार है क्योंकि हर परफॉर्मेंस परीक्षा होती है। तो कहना मुश्किल है कौन सा अच्छा है कौन सा। नहीं, आपने जो अपना पहला ही परफॉर्मेंस बता दिया कामानी का, जिसके पहले आपने कहा कि कई रात नींद नहीं आई थी, वही बताता है कि किस तरह से एक कलाकार अपने अपनी तैयारी करता है अपने आप को, और अपने आप को जब उस परंपरा की तैयारी करता है जिस परंपरा से वो आता है। अमेन्द्र जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत मजा आया, और खास तौर पर इस बात में तो बहुत ही मजा आया कि जो थोड़ा बहुत सीख के आए तो थोड़ा बहुत क्यों सीखा है भाई, पूरा सीख लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी ही सोच, कुछ ऐसी ही समझ हम भी रखते हैं, और इसी बात की हम वकालत भी करते हैं कि डराइए मत बच्चों को, उनको सिखाइए, उनको प्यार से समझाइए, दवा भी देनी है तो मीठी दवा दीजिए जिससे कि वो उस दवा का पूरा फायदा ले सके। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।